घर में जीती यही वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। सो हम लोग जा रहे हैं इतनी ठंड के अंदर जेके के। पहली बात, बहुत ज़्यादा ठंड है जयपुर के इस टाइम में और इस एरिया में और भी ज़्यादा है। एंड सेकंड, जेके के जवाहरलाल कला केंद्र, सो यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह पूरे साल होते रहते हैं। सो आज कुछ और स्पेशल वगैरह भी हो रहा है वहाँ पे, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत कुछ। सो आज अपन चलने वाले थे इसी सिंपल रास्ते में और मिलते हैं। इतनी भयंकर ठंड में बाहर, भाई बहुत ज़्यादा ठंड है ना यार आज। तो हाँ, जेके के हमारे एकदम हॉस्टल के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे घूमने जा रहे हैं और चाय पीने। वहाँ पर पहुँच गए हैं जेके के हमारे जस्ट सामने और बहुत भीड़ आज इस कारण बहुत। आर्ट वगैरह की भी सारी चीज़ें मिलती है, आर्ट एंड क्राफ्ट जो स्टूडेंट्स वगैरह कुछ भी बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें भी जेके के अंदर सब कुछ सेल वगैरह होती है। सो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। जगह का बहुत बड़ा है, मैंने कहा जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी बहुत कुछ है। सो आज अपन अभी अंदर जाएंगे जगह का, जहाँ थिएटर है, जहाँ सब कुछ सारी चीज़ें होती है, जहाँ आज का जो कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है वहाँ। ठीक है, जगह के अंदर है, बहुत प्यारा है यार अंदर से। और बहुत आपको बता दूं पहले ही, मैं मात्र 30 रुपए की टिकट और आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा यार। नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर प्रयागराज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट से है, जिसकी कल्चर और एग्रीकल्चर आपके पूरा हो चुका है और बहुत ज़्यादा शानदार रहा। अगर आपको 30 रुपए में ऐसा कुछ मिल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा शानदार है भाई। हर्षित कैसा रहा आज का ये तेरा? मस्त, बहुत शानदार रहा ब्रदर। 30 रुपए में आपको ये चीज़ें मिले तो यार पूरा पैसा वसूल। सो ये आज का जेके के में था। इसमें हर महीने कुछ ना कुछ कल्चर एक्टिविटीज़ होती रहती है, हर रोज़ हर दिन कुछ स्पेशल होता है। खत्म। सो मिलते हैं अगले, और भी बहुत सारे ब्लॉग आएंगे, सो प्लीज सपोर्ट करना और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। घर में जीती यही।